आज सुबह सुबह 6:30 बजे जब आप में से ज्यादातर लोग शायद सो रहे होंगे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक भारत को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। पांच राज्यों में चुनावी जंग और देश की सबसे पुरानी पार्टी में महासंग्राम। सही कबीर दास जी ने संजू जी है, संजू जी झूठ की है फैलाई बूटी। संजू जी संजू जी ऑडियो एक मिनट रखूंगा। संजू जी संजू जी हम संजू जी आप भी झूठी हो जाएंगी। ना 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 संजू जी ये भाषा ही नहीं है कबीर की। तो वहां मौजूद स्टाफ हैरान रह गया, जो नस से ड्यूटी पर थी वो चौंक गई, थोड़ी घबरा भी गई। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी गोदी मीडिया में घटे कुछ किस्सों की बात करेंगे। आए दिन कोई ना कोई मुद्दा मीडिया की सुर्खियां बटोरता रहता है। इन्हीं सुर्खियों में कुछ मजेदार वीडियोस भी देखने को मिल जाते हैं। हमने अक्सर एबीपी न्यूज की पत्रकार रूबिका लियाकत को विपक्ष से झगड़ते और तीखे सवाल करते देखा है। अब आप उनका एक वीडियो देखिए जिसमें वे कितने स्टाइल से न्यूज पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेडी है ना सब? हाँ सर। ओके स्टैंड बाय, रोल कैमरा। पांच राज्यों में चुनावी जंग और देश की सबसे पुरानी पार्टी में महासंग्राम। इसे कट नहीं कर रहा मैं? ना कट कर लो, क्या दिक्कत? सीके सब आपकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। सीके को जानना चाहिए। सीके की मूवमेंट गड़बड़ थी। ओके चलिए स्टैंड बाय रोल। पांच राज्यों में चुनावी जंग और देश की सबसे पुरानी पार्टी में महासंग्राम। क्या कलह से टूट जाएगी कांग्रेस? आज रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक मेरे साथ। परफेक्ट है। मीडिया की डिबेट्स में क्या कुछ देखने को नहीं मिलता? अभद्र भाषा, कभी कभी गाली गलौज और मारपीट तक हो चुकी है। ऐसे भी कुछ डिबेट्स हैं जिनमें इस पर भाषा की मर्यादा कई बार क्रॉस हुई। आज हम बात करेंगे न्यूज 18 चैनल पर हुई एक डिबेट की, जिसमें भाजपा नेता कबीर का दोहा पढ़ती दिखाई दी, पर वे दोहे की जगह कुछ और ही बोल गई। प्रतीक जी, मैं कबीर जी के कुछ दो दोहे बोलना चाहती हूँ। सही बात लगे बेमानी झूठ की है जनता दीवानी। सही बात लगे बेमानी झूठ की है जनता दीवानी। सही बात इनको हजम कहाँ है? सही कबीर बात ने कहा? इनको हजम कहाँ है? झूठ की फैलाई बूटी। सही कबीर बात ने संजू जी कहा है? संजू जी झूठ की है फैलाई बूटी। संजू जी संजू जी ऑडियो एक मिनट रखूंगा। संजू जी संजू जी हम संजू जी आप भी झूठी हो जाएंगी। ना 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 संजू जी ये भाषा ही नहीं है कबीर की। जिन्होंने पढ़ा है कबीर को जानते हैं ये भाषा कबीर की नहीं। कबीर को मत कहिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप से आ जाते हैं, उन पर मत कोट करिए। कहिए ये बात हम कहना चाहते हैं। संजू वर्मा को दे रहा हूँ। उन्होंने साखी लिखी है, साखियां हैं उनकी, और वो दोहा का फॉर्म है, मानता हूं, लेकिन ये कबीर का नहीं, क्योंकि ये भाषा नहीं है कबीर की। जिन्होंने कबीर को पढ़ा है वो जानते हैं। अब बात अर्णब गोस्वामी की करते हैं। हमने कई बार देखा है कि अर्णब सरकार की तारीफ ही करते दिखाई देते हैं, मुद्दा चाहे कोई भी हो, जैसे कि टूलकिट मुद्दे पर वे दिशा को दोषी बताते रहे। आज देश को जानना ये जरूरी है कि 21-22 साल की लड़की क्या कर रही थी। आप हमेशा कहते हैं 21-22 साल की लड़की को पकड़ा, आप ये बताइए 21-22 साल की लड़की क्या कर रही थी? ये विदेशियों के साथ मिलकर भारत में दंगे की साजिश कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बताइए मुझे ग्रेवाल जी। और उसके बाद भी आप अगर उसके साथ खड़े हैं तो बताइए जनरल बख्शी साहब को, आपकी आप चाहते क्या है? ये 21-22 साल की लड़की विदेशियों के साथ मिलकर भारत में दंगे कराने की कोशिश कर रही थी कि नहीं कर रही थी? पर कोर्ट ने दिशा को जमानत दे दी और पुलिस को फटकार भी लगाई। अब आप ये वीडियो भी देखिए जिसमें ट्रेन पर अर्णब के चैनल के ही पोस्टर लगे हैं। देश में विपक्ष की ओर से काफी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना का वैक्सीन कब लगवाएंगे। उनका मुंह तो प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाकर बंद कर दिया, पर वैक्सीन लगवाते हुए भी मोदी जी कैमरा को नहीं भूले। आज सुबह सुबह 6:30 बजे जब आप में से ज्यादातर लोग शायद सो रहे होंगे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक भारत को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया।
वो सुबह सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने कोरोना की मेड इन इंडिया को वैक्सीन का टीका लगवा लिया। प्रधानमंत्री जो अचानक वैक्सीनेशन रूम में पहुंचे तो वहां मौजूद स्टाफ हैरान रह गया। जो नर्सेज ड्यूटी पर थी वो चौंक गई, थोड़ी घबरा भी गई। दो नर्सेज ड्यूटी पर थी, केरल की रोजम्मा अनिल और पुडुचेरी की पी निवेदा। जब नर्सेस को पता चला कि उन्हें प्रधानमंत्री को वैक्सीनेशन की पहली डोज देनी है, कोवैक्सीन देनी है, तो वो थोड़ी नर्वस थी। अब विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन को छोड़कर इसे ही बड़ा मुद्दा बना दिया है और आरोप लगाया है कि ये चुनाव प्रचार के लिए मोदी का पब्लिसिटी स्टंट है। दूसरी ओर राहुल गांधी भी एक जगह भाषण देने गए और इस इवेंट में वे पुष्प लगाते भी दिखाई दिए। इसके अलावा किसान महापंचायत में एबीपी न्यूज के पत्रकार रक्षत सिंह पहुंचे और उन्होंने मन से अपने इस्तीफे की बात कर दी। इसके अलावा वे कुछ और बातें भी करते नजर आए। मैंने इंटर किया, मैंने पीजी डिप्लोमा किया, मैंने एमबीए किया, मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने के लिए जा रहा। तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं, 15 साल मैंने यही किया है यही। तो मैं तो कोई दुकान भी नहीं खोल सकता, मैं तो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। तो ये थे इस हफ्ते की अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब टुडे से। धन्यवाद। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.